नगर निगम के श्वानों का बाड़ा इन दिनों सवालों के घेरे में है। यहां से लगातार श्वान गायब हो रहे हैं, क्या उन्हें भगाया जा रहा है या कोई अनहोनी इन श्वानों के साथ हो रही है। ये आरोप है एक पशु प्रेमी का जो पिछले लंबे समय से जानवरों के लिए काम कर रही है। जोधपुर महानगर में श्वान को पकड़ने के लिए नगर निगम ने अलग से व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है। सुरसागर इलाके में आए इस बाड़े में शहर भर से पकड़े जाने वाले श्वानों को लाकर रखा जाता है। समाज सेविका और पशु प्रेमी कविता सिंह भी का आरोप है कि इस बाड़े में श्वान गायब हो रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी उन श्वानों को भी पकड़ कर ला रहे हैं जिनकी नसबंदी कर रखी है या वो प्रेग्नेंट है। ये पशु क्रूरता के दायरे में आता है। बाड़े में जब भी मेरे कुत्ते नसबंदी हुए कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, नगर निगम की कंप्लेन कैचिंग टीम आ रही है। कभी पार्षद कंप्लेन कर रहे हैं, कभी आम नागरिक कंप्लेन कर रहे हैं। तो जब पार्षद को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है ये कि आप नसबंदी किए कुत्ते को या प्रेग्नेंट डॉग को नहीं पकड़वा सकते हैं, तो उनको क्यों पकड़वा रहे हैं? और जब वो पकड़ा के अगर बाड़े में लेके आ रहे हैं तो वो डॉग्स बाड़े से कहाँ भाग रहे हैं? या तो उनको पकड़ के बाड़े में छोड़ा नहीं जा रहा है, या वो बाड़े में आ रहे हैं तो बाड़े से उनको भगा दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होने के बावजूद तो वो भाग नहीं सकते हैं। और पर्टिकुलरली मेरे कुत्ते ही क्यों भागते हैं बाड़े में से? इतने सारे डॉग्स आ रहे हैं, उनको तो पकड़ के नहीं छोड़ा जा रहा है कहीं पे, वो बाड़े से नहीं भाग रहे, तो मेरे ही कुत्ते कैसे बाड़े से भाग रहे हैं? मैं 11 साल से ऐसे डॉग्स को खाना खिला रही हूँ। पिछले 5 सालों से इनका ट्रीटमेंट वगैरह सब करवाती हूँ। करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, और जहाँ कहीं पे भी ट्रीटमेंट होता है, डॉग बीमार होता है, कहीं से फोन आता है, तो उनको लेके आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ और वापस उनके नियमित स्थान पे उनको छोड़ती हूँ। डॉग्स को 20 तारीख को लेके आई थी और मैं हैदराबाद गई हुई थी। कल मैं आई, मुझे पता चला कि मेरे कुत्तों को पकड़ा गया है। उसमें से एक की नसबंदी हो रखी थी और दो की नहीं हो रखी थी। जिसकी नसबंदी हो रही थी उनको इन्होंने कैसे पकड़ लिया, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है कि आप नसबंदी हुए कुत्तों को पकड़ नहीं सकते हैं। 3 कुत्ते जिनकी नसबंदी हो रखी है वो मेरे को अभी तक बाड़े में नहीं मिले, एक मिला वो मैं लेके चली गई। 16 फरवरी को राहुल छाजेड़ नाम के लड़के ने डॉग पकड़वाए थे गोलियों की पॉज से, 3 एकदम हेल्दी डॉग्स थे, और उसने झूठ बोल के पकड़वाया कि ये काट रहे हैं। एक भी कुत्ता नहीं काटता। मैं तीनों को लेके गई, यहाँ से मुझे मना कर दिया गया डॉक्टर काजी ने कि हम आपके डॉग्स का ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि आप एक एनजीओ चलाती हो। तो मेरे डॉग्स नहीं है, वो है सड़क के कुत्ते, नगर निगम के कुत्ते। दूसरे एनजीओ के डॉग्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरे कुत्तों के लिए मना कर दिया जाता है। मैंने बाहर प्राइवेट ऑपरेशन करवाया, उनकी सेवा की, 4 दिन बाद में उनको वापस उनके नियमित स्थान पे छोड़ा। उसके बावजूद भी नसबंदी हुए कुत्तों को उन्होंने 26 फरवरी को वापस नगर निगम की टीम उनको पकड़ के लेके आई और बाड़े में छोड़ा या कहाँ छोड़ा मुझे पता नहीं, एंट्री है रजिस्टर में, और अब मेरे को वो डॉग्स मिल नहीं रहे। और 20 तारीख को वापस लखारा बाजार से कुत्ते मिले, नसबंदी हो रखी है, वो भी नहीं मिल रहे हैं। इसका जवाब निगम देगी या कौन देगा, या डॉग कैचिंग इंस्पेक्टर देगा या बाड़े वाले देंगे? अगर मुझे मेरे कुत्ते कल तक नहीं मिलते हैं तो मैं हाई कोर्ट के बाहर अनशन पे बैठ जाऊंगी। इधर प्रभारी सुनील बताते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि वे श्वान भागे नहीं, लेकिन कई बार भाग जाते हैं, और जब बड़ी गाड़ी से लाया जाता है तो फाटक खोलते वक्त श्वान भाग जाते हैं। इस तरह नगर निगम के अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि श्वान वहां से भाग रहे हैं। बड़े वाली गाड़ी आती है, मतलब निगम की गाड़ी आती है, तो ये बड़ा वाला गेट खोला जाता है बाड़े में कुत्ते डालने के लिए, ठीक है? तो गेट खोलते हैं, जब गाड़ी आती है तो कई कुत्ते बाहर आ जाते हैं, भग जाते हैं, मतलब ये समस्या है यहाँ पर। अभी टीम को एक बार और भेजूंगा, पूरा बाड़ा ढूंढूंगा, बाड़ा कोई छोटा नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, चेक होता है नसबंदी की हुई है या नहीं की हुई है, लेकिन जनता पकड़वाती है, पार्षद साहब पकड़वाते हैं, पार्षद साहब का बाकायदा कॉल आता है, कुत्ता वापस नहीं आना चाहिए, ये लोगों को काट रहा है, ये होता है सर। बहरहाल नगर निगम श्वानों को पकड़कर यहाँ लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये श्वान कहाँ जा रहे हैं ये चिंता का विषय है और इसका खुलासा होना जरूरी है।